साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि विदित है सभी को कि आज 7 सितंबर 2022 को बेरोजगार संघ की एक महारैली होने वाली है। हम आप सबको अवगत करवाना चाहते हैं कि उस महारैली के लिए ये रण सज चुका है। आप हमारे पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो ये देख सकते हैं कि हमने ये रण सजा दिया है। अब इस रण में कूदने के लिए आप सबको यहाँ पर 10:30 बजे तक पहुँचना है। और जो 22 वर्षों से जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहाँ पर हमारे राजनीतिक दलों ने, हमारे सरकारों ने, यहाँ पर बैठे हुए सचिवालय में उच्च अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज प्रदेश के तमाम युवा साथियों और तमाम अभिभावकों को एकत्रित होकर इस जन आंदोलन को लड़ना होगा। और ये जो जन आंदोलन है ये पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में इसका विरोध हो रहा है। जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका विरोध कड़े शब्दों में लोग कर रहे हैं। अब जरूरत है एक साथ आने की। और ये आज जो रैली होनी है ये बिल्कुल एक सरकार के लिए एक आईना होगा। और ये आज रैली करेंगे तो सचिवालय कुछ आज हम करेंगे, ताकि हमारे बीच में पिथौरागढ़ से तक लोग पहुंच चुके हैं, इतने दूर से अगर इस प्रदेश के अंतिम नेपाल बॉर्डर से भी लोग पहुंच सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब लोग परेशान हैं। और हमारे साथ पिथौरागढ़ से भाई लोग हैं, कन्या जी है, आप बताइए जो सब। और आह्वान करिए जो देहरादून में लाइब्रेरी कोचिंग में बैठे हुए बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आइए, क्योंकि आप देख रहे होंगे आपका सिलेक्शन हर बार 1-2 नंबर से रुक रहा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये भ्रष्टाचार जो सीटें बेची जा रही थी, पर हम संकल्प लेते हैं कि हम इस लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाएंगे कि ये पैसे खरीद फरोख करने वाले ये 10 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना है। इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि आने वाले समय में जो मेहनती बच्चा है वो बढ़कर सिलेक्शन लेगा और उनका ही सिलेक्शन होगा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप जो निर्धारित समय है उसमें परेड ग्राउंड में पहुंचे। और ये जो एक तंत्र यहां पे बना दिया है भ्रष्टाचारियों ने, सफेदपोशों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने, 15 लाख 20 लाख 25 लाख का जो एक स्लैब तैयार कर लिया है, लाखों करोड़ों रुपया बच्चों का कोचिंगों में खर्च हो रहे हैं। 2013 से मैं देख रहा हूँ कि देहरादून में कोचिंगों में, या हल्द्वानी हो, हरिद्वार हो, ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन परीक्षा हो, ऑनलाइन परीक्षा हो, यूके ट्रिपल एससी हो, यूके पीएससी हो, यूपीटीआर, पंतनगर, जितनी भी परीक्षाएं हैं, तो ये 15 लाख 20 लाख और ये 25 लाख की जो ये नीति चल रही है इस प्रदेश में, इसको हमें इस समय खत्म करने का जो अवसर मिला है इसको हमने इस समय जड़ से नाश करना है। और इस समय मैं देख रहा हूँ प्रदेश का युवा जाग गया है। चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक, हरिद्वार से लेकर रुद्रपुर तक, काशीपुर, अल्मोड़ा, श्रीनगर, लगभग सभी 13 जनपदों के अलग अलग विकास खंडों में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि वो सड़कों पर उतरें, घर से आएं और जो निर्धारित समय है आज हमारा सचिवालय कूच का, उसमें अपना सहयोग करें। भ्रष्टाचार को मिटाना है, एक ऐसा सिस्टम हमें तैयार करना है जिसमें एक ईमानदार अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसको मान सम्मान मिले और ये जो माफिया है ये लोग सिस्टम के अंदर अपनी जड़ें न जमा सकें और रौब ना दिखा सके ईमानदार अधिकारियों पर, इनके ऊपर ये राज न कर सके। ऐसी हम एक व्यवस्था चाहते हैं, इस व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये किसी एक बॉबी पंवार या किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे एक प्रदेश के 101 एक प्रदेश के 1 करोड़ लोगों की लड़ाई है। इसलिए मैं सभी छात्रों के अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं कि वो भारी से भारी संख्या में यहां पे आएं और इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दें। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को भी मैं अपील करना चाहूंगा कि तत्काल इस पर संज्ञान लें और किसी के बहकावे में आकर आप विधि के खिलाफ जाकर कोई ऐसा निर्णय न लें जिससे कि प्रदेश के युवाओं को ठेस पहुंचे और प्रदेश की छवि राष्ट्र स्तर पर धूमिल हो। जय हिंद, धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि ये रण सज चुका है और इस रण में लड़ाई करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है उस जंग को लड़ने के लिए आप सब 10:30 बजे तक परेड ग्राउंड पहुंचिए और यहां से सचिवालय कूच होगा और सरकार को चेताया जाएगा कि
आपके कार्यकाल में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है और आप सरकार का क्या स्टैंड है इस भ्रष्टाचार पर, वो सब सामने रखा जाएगा। और विशेषकर अगर पिथौरागढ़ ईमानदारी से अपनी सेवा को जारी रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि विभाग में उन्हें मान सम्मान मिले, उन सभी से हमारी अपील है कि आप भारी से भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे और एक ईमानदार व्यवस्था के लिए, एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए, क्योंकि कल ये आग आपके बच्चों तक फैलेगी, आपके बच्चों को हो सकता है इसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए मैं सभी देहरादून में जितने भी अभी कर्मचारी हैं अधिकारी हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप आइए परेड ग्राउंड में एक अच्छी व्यवस्था के लिए, एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए आप सब लोग यहां आइए और एक अच्छी व्यवस्था के लिए इस लड़ाई में हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।